हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। ठीक है, जैसा आपको पता ही होगा, जैसे मैं लास्ट क्लास में सिलॉग पढ़ा रहा था, लास्ट वीडियो में सिलॉग पढ़ा रहा था, और आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ ये सिलॉग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आइदर। ठीक है, और सिलॉग में क्या होता है, हमेशा 5 क्वेश्चन आते हैं और हर एग्ज़ाम में हमेशा 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, खास तौर पर बैंक एग्ज़ाम में, और बैंक एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन में से कम एक या फिर दो क्वेश्चन में हमेशा आइदर आ लगता है, तब हम आते हैं। अब देखो आइदर क्या होता है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा आपको पता ही होगा, जैसे हमारा क्या होता है, हमेशा क्या आता है, स्टेटमेंट आता है, और मिनिमम 3 स्टेटमेंट या फिर मैक्सिमम 4 स्टेटमेंट होते हैं। अब उसके बाद क्या होते हैं, कंक्लूजन होते हैं। मैंने क्या बोला था, हमेशा मिनिमम 2 निष्कर्ष या फिर मैक्सिमम 3 निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, अभी मैं 2 निष्कर्ष बात करूँगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 2 निष्कर्ष हमारा गलत कब से होता है। अब यहाँ पे का ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं, चाहे किसी एग्जाम में हमेशा 5 ऑप्शन होते हैं। देखो हम पहला ऑप्शन तब टिक करते हैं यदि पहला वाला सही है और दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, और सेकेंड ऑप्शन तब टिक करते हैं यदि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो चौथा ऑप्शन तब टिक करते हैं यदि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, और पांचवां तब टिक करते हैं यदि पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है, और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ध्यान सुन, यदि ये हमारा स्टेटमेंट है और ये क्या हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, यदि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो तो हम देखो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑब्वियस ही बात है हम चौथा ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन रुक जाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर इतना समझ दे रहे हो, यहाँ पर रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर जब भी 2 निष्कर्ष गलत हो यहाँ पर रुक जाना, मतलब होगा यहाँ पर आइदर आ लगने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन क्या होता है, आइदर, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, हिंदी में क्या बोलते हैं, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर आइदर क्या होता है। ठीक है, अब देखो आइदर हमारे क्या होता है, दोस्त होता है, हमें एक नंबर गलत करने से बचाता है, और आइदर आगे क्या होते हैं, हमारा कुछ कंडीशन होते हैं। अब देखो जब भी, ठीक है, यहाँ पर आइदर आगे क्या मैं बताऊँगा, यहाँ पर 3 कंडीशन होते हैं, यदि तीनों के तीनों कंडीशन फॉलोंगे करूँगे तो ही आइदर लगेगा, अन्था आइदर आर नहीं लगेगा। अब देखो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन फॉर आइदर, ठीक है, आइदर आर के लिए क्या होता है, हमारा कंडीशन होता है। ठीक है, लिख लो, देखो पहला निष्कर्ष, देखो पहला कंडीशन क्या होता है, हमेशा 3 कंडीशन होते हैं और आइदर आर के लिए होना चाहिए, तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो पहला कंडीशन क्या होता है, ठीक है, लिख लो, ठीक है, एनी ऑफ द टू कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एनी ऑफ द टू कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, लिख लो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम, दोनों निष्कर्षों में लिख लो, मैं हूं ना, घबराना मत, ठीक है, दोनों निष्कर्षों में एक जैसे एलिमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम ऑफ बोथ द कंक्लूजन, दोनों निष्कर्षों में एक जैसे एलिमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम ऑफ बोथ द कंक्लूजन, दोनों हो गया। अब लिखो तीसरा कंडीशन लिख लो, ठीक है, लिखो एनी ऑफ द टू कंक्लूजन वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी निगेटिव, दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी एक सकारात्मक निष्कर्ष और दूसरा क्या होना चाहिए, नकारात्मक निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक है, एनी ऑफ द टू कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव, ये तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे तो ही आइदर आर लगेगा, अन्था आइदर आर नहीं लगेगा। ठीक है, घबराओ मत, ठीक है, अभी मैं हूं ना, अब सुनो, अब स्टार्ट करते हैं मुश्किल से मैं आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन बताने वाला, और 3 से लेकर 4 क्वेश्चन में मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा जो आज तक किसी एग्जाम में आया हुआ है।
ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही होगा हमारा सबसे क्या होता है स्टेटमेंट, और हम क्या बोलते हैं हमेशा स्टेटमेंट का हमेशा डायग्राम बनाते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोल दिया, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी सभी ए बी हैं का हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। अब फिर मैंने बोल दिया नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, अब फिर मैंने बोल दिया सम सी आर डी, कुछ सी डी है। ठीक है, ये हमारा क्या है स्टेटमेंट है। अब हम आते कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा ये कैसा कंक्लूजन है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है या फिर नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, आपको वीडियो आपको पिछले क्लास में सब कुछ बता दिया था। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया सम बी आर डी, कोई बी डी नहीं है। ठीक है, कोई बी कुछ बी डी है, सम बी आर डी कुछ बी डी है। ठीक है, अब फिर मैंने बोल दिया नो डी आर बी, कोई डी बी नहीं है, अब देखो यहाँ पर बस मैं बस दो ही निष्कर्ष दे रहने जा रहा हूँ, घबराओ मत, मैं सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बताना है यहाँ पर ऐसा कौन सा निष्कर्ष जो सही है, ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या आ गया सम, सम मतलब क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होता है जो दिखता होता है वो सही होता है, जो नहीं दिखता होता है वो बिल्कुल गलत होता है। अब देखो कुछ बी डी है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा नो, नो मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के लेक्चर में दे दिया था तीन तीन शॉर्टकट दे दिया था। देखो कोई डी भी नहीं है, देखो यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन का कौन शॉर्टकट लगेगा, शॉर्टकट नंबर वन। ठीक है, डी और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन बन सकता है, तो मतलब ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है दोनों से गलत हैं, तो हम चौथा देखो ध्यान सुनो। ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि देखो मैटर ये नहीं करता, क्वेश्चन मैटर नहीं करता है, हम कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं मैटर ये करता है। अब देखो हम जैसे ही चौथा ऑप्शन टिक करेंगे, जैसे क्या होता है दोनों निष्कर्ष बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, दोनों से गलत हैं, तो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर आइदर लगने की पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या बोला था, आइदर तभी लगता है जब तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं। देखो अब देखते क्या होता है, पहला ठीक है पहला कंडीशन क्या होता है, दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी दो निष्कर्ष गलत होने चाहिए। यहां पर दो कंक्लूजन है और दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, ठीक है दोनों निष्कर्षों में एक जैसे एलिमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम ऑफ द बोथ द कंक्लूजन। ठीक है, यहां पे क्या है ध्यान सुना, यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ पर क्या डी है, यहाँ पर डी है। ये मत समझना कि बी के नीचे बी होना चाहिए, डी के नीचे डी होना चाहिए, बस होना चाहिए चाहे कहीं भी होना चाहिए। हम लोगों का ये देखो ये सब लोगों का ये सेकेंड कंडीशन भी फॉलो कर गया। ठीक है, अब हमें आइदर लगाने के लिए हमें बस तीसरा कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है, मैंने क्या बोला था दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी एक सकारात्मक दूसरा होना चाहिए नकारात्मक। अब देखो ये क्या है, ये कहीं ये बोला है कि पहला वाला ही सकारात्मक दूसरा नकारात्मक, मैंने क्या बोला था दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये पहला क्या है पॉजिटिव और दूसरा क्या है निगेटिव, मतलब होगा ये तीनों को फॉलो कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आइदर लगेगा आंसर क्या होगा नन फॉलो नहीं होगा, आंसर क्या होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आइदर ऑप्शन आ गया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक है, मुश्किल से तीन क्वेश्चन और बताऊंगा और तीनों क्वेश्चन में सब कुछ बता दूंगा जो आज तक एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ध्यान सुनना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा SBI में पूछा जाता है, SBPO के एग्जाम में या फिर क्लर्क के एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट मैंने बोल दिया कुछ भी, जैसे बोल दिया सम ए आर बी कुछ ए बी है,
कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी का हम डायग्राम बनाते हैं। अब फिर मैंने बोल दिया ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी, ये बन गया। अब फिर मैंने बोल दिया नो सी आर डी, कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, ये बन गया। अब उसके बाद ठीक है, अब हमारा सिस्टम बन गया। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ध्यान सुनना। देखो मैंने पहला कंक्लूजन दे दिया, जैसे मिल दिया नो, जैसे मिल दिया नो बी आर डी, कोई बी डी नहीं है, ठीक है। अब फिर मैंने बोल दिया सम, जैसे मिल दिया सम ए आर डी, कुछ ए डी है, ठीक है। अब फिर मैंने बोल दिया, फिर मिल दिया नो, नो डी आर ए, कोई डी ए नहीं है। इसको अच्छे से समझो क्योंकि ये बार बार बैंकिंग एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। बस यहाँ पे बी ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस से हो जाएगा। अब सुनो यहाँ क्या हो जाएगा, नो, नो मतलब होता है नो, मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, नो बी आर डी, नो बी आर डी, तो बस मुझे ये बता दो निगेटिव शॉर्टकट का कौन सा लगाएंगे, शॉर्टकट नंबर थ्री, बी डी नहीं है, ठीक है, कोई बी डी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सम, सम मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है, जो दिखता होता है वो सही होता है, जो दिखता होता है वो गलत होता है। कुछ ए, ठीक है, कुछ ए डी हैं, कुछ ए डी हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या हो जाएगा, बिल। हाँ चलिए अब यहाँ पे आते हैं नो, ठीक है, नो मतलब क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या होता है, देखते क्या होता है, देखो नो डी आर ए, कोई डी ए नहीं है, तो मतलब क्या होगा, डी और ए के, ठीक है, डी और, देखो यहाँ पे निगेटिव शॉर्ट कौन सा लगेगा, शॉर्ट का नंबर वन लगेगा, ठीक है, डी और ए के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है ना, तो रिलेशन बन सकता है, तो मतलब होगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए इस, पता है इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर अलग से ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन क्या होता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, पहला ऑप्शन क्या होता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, लोग इसको टिक करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर रुक जाना क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या बोला था, जब भी दिए हुए कंक्लूजन में कोई सा भी दो कंक्लूजन गलत होगा तो मतलब होगा यहाँ पर आइदर अलगने की संभावना है, यहाँ पे जो गलत है मतलब होगा यहाँ पर आइदर अलगने की संभावना है। अब देखते क्या होता है, देखो देखो आइदर आर, ठीक है, आइदर तभी लगता है जब तीन, देखो आइदर तभी लगता है जब तीन कंडीशन फॉलो करते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, दिए हुए निष्कर्षों में, ठीक है, पहला कंडीशन क्या होता है, दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी दूसरा गलत होना चाहिए, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे तीन निष्कर्ष हैं और तीन निष्कर्ष में दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता होता है, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखो क्या होता है, ठीक है, दोनों निष्कर्षों में, दोनों निष्कर्षों में एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, डी है, यहाँ पर क्या है, डी है, ठीक है। अब ये मत सुना कि एक नीचे ए होना चाहिए, डी नीचे डी होना चाहिए, मैंने कहा था दोनों निष्कर्षों में, ठीक है, दोनों निष्कर्षों में एक जैसे एलिमेंट होना चाहिए, चाहे कई होना चाहिए, बस होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, ए ए डी डी, यदि एक नीचे ए रहता है, डी नीचे डी होता तो ऑब्वियस बात है बिल्कुल सही होता है, मतलब होगा दूसरा कंडीशन फॉलो कर गया। अब देखो तीसरा कंडीशन क्या होता है, मैंने क्या बोला था, दिए हुए निष्कर्ष में जिसमें जिस हम आइदर आर की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, क्या होना चाहिए, एक पहलू, मैंने क्या बोला था, कोई सा भी एक सकारात्मक दूसरा होना चाहिए नकारात्मक, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, वन ऑफ द बोथ द कंडीशन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी निगेटिव। अब देखो पहला क्या है, देखो ये क्या है, पहला क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है, निगेटिव, मतलब होगा यहाँ पर आइदर आर लग जाएगा, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा। अब जो जल्दी बाजी में रहते हैं आंसर क्या देते हैं, आइदर, ठीक है, आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, इसको लोग टिक करके नियर अबाउट 90% टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत रहेगा, ठीक है, क्यों गलत रहेगा, ध्यान सुना, ठीक है, जिसमें जिसमें आइदर आ लगता है और जो सही रहता है उसको भी लेके चलते हैं, सही वाले को कभी नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए अलग ऑप्शन, अलग से ऑप्शन आ जाएगा, पता है, ठीक है, आइदर सेकेंड आर थर्ड, आइदर सेकेंड आर थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो, या तो दूसरा या तो तीसरा, और पहला सत्य है और पहला अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है, ये आपको तीसरे या फिर चौथे या फिर पांचवें ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या रहेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, लेकिन इसको छोड़ देना, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, इसको भी छोड़ देना। तीसरा क्या हो जाएगा, आइदर सेकेंड और थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो,
ठीक है, समझ में आ ना। अब यहाँ पर भी ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है पता है, यहाँ पर आइदर आर में कुछ एक्सेप्शन होता है। देखो अब मैं बताता हूँ एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो पहली बार ठीक है जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है, ये हमेशा बैंकिंग की एग्ज़ाम है, ठीक है, ये हमेशा बैंकिंग एग्ज़ाम में हमेशा आता है, ठीक है। और एग्ज़ाम ठीक है, और ये एग्ज़ाम में LIC ठीक है, LIC AO में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अब बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया स्टेटमेंट, जैसे बोल दिया नो ARB, कोई AB नहीं है, नो ARB, कोई AB नहीं है। अब फिर मैंने बोल दिया सम BRC, कुछ BC हैं, कुछ BC हैं। अब फिर मैंने बोल दिया नो CRD, कोई CD नहीं है। ये सभी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक्सेप्शन का क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने बोल दिया कंक्लूजन, ठीक है। अब जिसमें यहाँ पर बस दो ही निष्कर्ष देने वाला हूँ, ध्यान सुना, ठीक है। अब जैसे बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया नो, जैसे बोल दिया नो ARD, कोई AD नहीं है। अब फिर मैंने बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया ऑल DRA, सभी DA हैं, ठीक है। आपको बताना है ऐसा कौन सा निष्कर्ष जो सही है, ऐसा कौन सा गलत है। अब देखो क्या हो जाएगा, नो ARD, कोई AD नहीं है, तो कौन सा लगेगा, शॉर्टकट नंबर सेकंड। देखो यहाँ पर AD का पड़ोसी है, मैंने कहा था जो पड़ोसी नहीं होते वो हमेशा बिल्कुल गलत होते, इसमें होगा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल में कहता है पॉजिटिव, जो दिखता होता वो सही होता है, जो दिखता गलत होता है। देखो ऑल DRA, सभी DA है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है दो गलत होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, आइदर लगने की संभावना है, और देखो आइदर तभी लगता है जब तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं। अब देखो आइदर के लिए पहला कंडीशन क्या होता है, ठीक है, दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी दो गलत होना चाहिए, यहां पर दो गलत हैं, गलत है। अब दूसरा कंडीशन का क्या होता है, ठीक है, दोनों निष्कर्षों में एक जैसे एलिमेंट होना चाहिए, यहां पर क्या है, ए है डी है, ये मसला कि एक नीचे ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, बस होना चाहिए, चाहे कभी होना चाहिए, मतलब ये सेकंड कंडीशन फॉलो कर गया। अब देखो तीसरा कंडीशन क्या होता है, दिए हुए निष्कर्षों में कोई सा भी एक पॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव कलर होना चाहिए, यहां पर तीनों कंडीशन फॉलो कर गया, मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, आइदर, ठीक है, आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ठीक है। लोग नियर अबाउट 95% स्टूडेंट इसको टिक करके चले आते हैं, ठीक है, लेकिन पता है यहां पर आइदर आर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ध्यान सुना। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है, ये भयानक एक्सेप्शन होता है सिलॉग में, ठीक है। हम कभी भी नो और ऑल में हम कभी भी आइदर आर नहीं लगाते हैं, यदि तीनों के दिन फॉलो करें तो भी नहीं लगाते हैं, ठीक है, समझ ना, हम कभी भी नो और ऑल में हम कभी भी आइदर आर नहीं लगाते, लिख लो, वी कांट यूज आइदर आर इन केस ऑफ नो प्लस ऑल, हम कभी भी नो और ऑल में हम कभी भी आइदर आर नहीं लगाते हैं, हो गया सभी का। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, देखो लास्ट क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन में आ रहा होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला था, हमेशा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें बोल दिया ऑल ARB, सभी AB हैं, ऑल ARB, सभी AB हैं। अब फिर मैंने बोल दिया नो BRC, कोई BC नहीं है। अब फिर मैंने बोल दिया सम CRD, कुछ CD हैं, सम CRD, हो गया सभी का। अब उसके बाद मैंने बोल दिया कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, हमारा क्या होता है, निष्कर्ष होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोल दिया सम, जिसमें बोल दिया सम ARB, कुछ AB है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद फिर मैंने बोल दिया नो, ठीक है, नो DRB, कोई DB नहीं है। अब फिर मैंने बोल दिया, जिसमें बोल दिया ऑल BRD, सभी BD है, ठीक है। अब आप बताओ आंसर क्या होगा,
ठीक है। अब हम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, सम, सम मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो दिखता होता वो सही होता है, जो दिखता गलत होता है। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नो, नो मतलब क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, नो डी आर बी, नो डी आर बी, यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन का कौन सा लगेगा, शॉर्ट टर्म वन, देखो डी और बी के कंक्लूजन नहीं है तो रिलेशन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑल, ऑल मतलब क्या होता है, ऑल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, देखो ऑल बी आर डी, सभी बी डी है, ठीक है, जो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो दिखता होता है वो सही होता है, जो नहीं दिखता होता गलत होता है, सभी बी डी है, सभी बी डी है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हो गया सभी का। अब देखो ये ऑब्वियस सी बात है, दो गलत है, दिए देखो तीन निष्कर्ष हैं, तीन निष्कर्ष में दूसरा और तीसरा गलत है, मतलब हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयदर लगने संभावना है। अब देखो क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आयदर तभी लगता है जब तीनों के तीनों फॉलो करते हैं, ठीक है, मैंने कभी बोल दिया था, अभी मैंने बताया था, नो और ऑल में हम कभी भी आयदर नहीं लगाते, चाहे तीनों के तीनों फॉलो करें कंडीशन तो भी आयदर आर में हम कभी भी, नो और ऑल में हम कभी भी आयदर नहीं लगाते, आंसर कितना हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, क्या हो जाएगा, केवल पहला वाला सत्य है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, और हम जब अगली बार लेक्चर लाएंगे तो हम पॉसिबिलिटी के लेक्चर लाएंगे, ठीक है, थैंक यू क्लास।